नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देख रहे द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स। अचीवर्स की हमारी गेस्ट है वैष्णवी अतुल बंसल। वैष्णवी ने हाल ही में 10th के रिजल्ट में CBSE 10th के रिजल्ट में 95 अंक अर्जित किए। वैष्णवी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया, हालांकि आपका गोल तो 100% था। किस तरह की पढ़ाई थी, आपको सबसे पहले तो शुभकामना देना चाहेंगे। अब कैसा लग रहा है आपको 95 अंक प्राप्त करके? मुझे खुद में बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड। और जब रिजल्ट आया था तो आई वाज नॉट एबल टू बिलीव माय आईज, क्योंकि मुझे थोड़ा लगा था कि मैं इतना नहीं करवाती, बट जब मैंने रिजल्ट देखा आई वाज रियली हैप्पी। एंड फिर जब मेरी मम्मा ने भी रिजल्ट देखा, हम सब बहुत खुश हुए। हमने पापा को कॉल करा और सबसे बात करी, और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, और मेरे मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे कि मुझे इतने आए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने उनको उनको अच्छा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से 10th का रिजल्ट जो है, कहीं ना कहीं आप जैसे स्टूडेंट का जो है अगला जो मार्ग है, जो आपका जो एजुकेशन का जो वे है, वो डिसाइड करता है। अब चूंकि आपने 10th में आने के बाद में इतना अच्छा अंक अर्जित किया परीक्षा में, 95% अंक बहुत अच्छे अंक कहलाते। और ये भी विपरीत परिस्थिति में देखा जाए तो इन दिनों जो हमारे भारतवर्ष में कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हर व्यक्ति, हर जनसामान्य कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहा है। कभी पढ़ने की इच्छा होती, कभी पढ़ने की नहीं भी इच्छा होती। और ऐसी स्थिति में यदि आप जैसे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लाते, तो मैं कहता हूँ कि पूरे समाज को गौरव करना चाहिए आप जैसे बच्चों पर। कितनी मेहनत करती थी वैष्णवी आप, किस तरह से आपने कब से स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई का अपना दौर, जो एग्ज़ाम से पहले, क्या पहले दिन से जैसे आप 10th में गई तभी से आपने अपना गोल तय कर दिया था? कितना समय अपनी पढ़ाई को देती थी, बाकी एक्टिविटीज़ में किन किन एक्टिविटीज़ में आप शामिल हैं, विस्तार से बताइए। जब 10th स्टार्ट हुआ था, जब स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा न्यू फील कर रहे थे, तो जब आई ट्राइड कि मैं अभी से स्टार्ट करूँ, और फिर पूरा साल मैंने पढ़ाई पर करा। एंड आई यूज़ टू डांस ऑल्सो, तो डांस क्लास में भी सेम टाइम बैलेंस होता था। फिर पूरे साल हमारे हम लोग के टेस्ट होते थे, तो उसके लिए भी पढ़ते थे। एंड फिर नोट्स होते थे, तो हम लोग नोट्स भी बनाते थे, तो उसी हिसाब से पूरा साल थोड़ा बहुत प्रिपरेशन था। और फिर एग्ज़ाम्स के पहले जिस टाइम हमें छुट्टी मिलती है, और एग्ज़ाम्स के एक महीने पहले, तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को टारगेट बनाया और उनको कम्प्लीट करने का टारगेट रखा कि नहीं, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस इन अ स्पैम ऑफ टाइम। और ऐसे ही करके मैंने करा। और मेनली हेल्प होता है कि जब मैंने नोट्स बनाए थे पहले, तो मुझे एक आइडिया था कि मैंने क्या पढ़ना है, मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स ने भी हेल्प करा और टीचर्स भी थे मेरे साथ, सो दे हेल्प। सही कहा आपने, आपने अपना गोल और अपना टारगेट और अपने स्टडी को जिस तरह से किया है, और साथ ही आपने डिसाइड किया है कि आपको पहले नोट्स बनाना है। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे देखे जाते हैं कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई करते हैं, या अपनी कहते हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आती उसी समय पढ़ाई करते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो ये भी कहा जाता है कि जब प्यास लगती कुछ लोग कुआं खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप जैसे बच्चे जो उनमें से नहीं है। आपने जैसी 10th में आपने एडमिशन हुआ होगा आपका, उसके बाद पहले दिन से किस तरह से कितने घंटे की पढ़ाई स्टार्ट की, किस तरह से आपने नोट्स तैयार किए, क्या पूरी बुक पढ़ने के साथ नोट्स तैयार की कि एक एक टॉपिक लेके फिर उन्हें नोट्स के रूप में बनाया? नहीं, जब स्टार्ट हुआ था, जब ऐसा इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, रोज़ कभी जो हमें स्कूल में पढ़ रहा है उसे एक बार देख लेना, तो वो भी बहुत हेल्प करता है आगे जाके। एंड टॉपिक्स तो नोट्स जैसे कि चैप्टर वाइज जो चल रहे उन्हीं के साथ साथ अगर आप बना लोगे, तो आपको बहुत अच्छा से याद हो जाता है वो, थोड़ा थोड़ा आपको उनका आइडिया हो जाता है कि आप कर क्या रहे हो। और फिर उसके बाद आप क्लास में भी एक्टिव रहते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि क्या चल रहा है, तो इसलिए तो जब नोट साथ में ही बनाने चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको वैष्णवी से करने को मिल रही है, और उन बच्चों के लिए यह इंटरव्यू भी एक आदर्श इंटरव्यू हो सकता है जो वाकई वैष्णवी जैसे अच्छे अच्छे अंक, जिसे प्रावीण्य सूची भी हिंदी में कहा जाता है, ऐसे अंक पा सकते हैं इसी ट्रिक के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वैष्णवी, हमने ये भी सुना है कि आप जैसे बच्चों को भी कुछ सब्जेक्ट डराते हैं, ऐसा होता है? हाँ, तो सबके साथ ही होता है। आप कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ते तो हैं, बट आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसमें कि आप इतना अचीव कर ही सकते हैं, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कम। हाँ, तो ऐसा एक सब्जेक्ट था मुझे सोशल, सोशल में भी हमारे पास होते हैं,
तो हिस्ट्री तो हम लोग फिर भी कर लेते थे, पर जैसे कि सिविक्स और ज्योग्राफी उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती है, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं डर लगता था कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं कहूँगी तो आप उन्हीं टॉपिक्स को पहले टारगेट करो जो आप नहीं कर सकते, जिनको आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ताकि आप ज़्यादा करोगे तो देन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। क्या बात है वैष्णवी जी, आपने तो बिल्कुल गुड रहस्य की बात बता दी। साथ ही पढ़ाई का मूल मंत्र क्या होता है वह भी कहीं ना कहीं वैष्णवी के एक छोटे से दिमाग से, कहीं ना कहीं लिटिल मस्तिष्क से बाहर आया है, और उन्होंने कह दिया है कि जिन सब्जेक्ट्स पर आपका आत्मविश्वास कम बैठता है उन सब्जेक्ट्स को आप पहले पढ़ें, और जिन पर आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो, जैसे हमारी वैष्णवी, आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रिय है और सर्वाधिक अंक उसमें आपने 10th में हासिल किए हैं? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मैथ्स लगता है, मतलब उसमें सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो समझ थोड़ा हाँ कम आता है, बट आप धीरे धीरे सॉल्व करते हो तो आपको पूरा समझ आता है, एंड वो सब्जेक्ट से फिर बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप किस स्कूल में पढ़ती है, क्या वहाँ से भी आपको कोई गाइडेंस मिलता है, या फिर स्पेशल कोई आपको टीचर है जो व्यक्तिगत रूप से भी आपकी मदद करती है? क्योंकि इतने अच्छे अंक मुझे लगता है गुरुजनों के बगैर सहयोग के, अपने टीचर्स के बगैर सहयोग के नहीं हो सकते ना। मैं श्री सत्य साई विद्या विहार से हूँ, और मैं कहूँगी तो मेरा ये जो भी मुझे मिला है दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर्स, उनने मुझे बहुत हेल्प करा है। हर कुछ भी डाउट होता था वो सॉल्व करते थे, बहुत से टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आता था। तो मुझे लगता है कि टीचर्स किसी भी बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स आते थे दैन टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और ऐसा पर्टिकुलर टीचर तो नहीं, मेरे सारे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि सब ने मुझे बहुत हेल्प करा है। चलिए तो बहुत बढ़िया बात है, स्कूल में तो आपकी पूरी पूरी हेल्प ही मिली और आपने उनकी तारीफ भी ढेर सारी कर दी। लेकिन एक बात और आती है, माँ बेटी का एक रिश्ता होता है, और उस रिश्ते में कहीं ना कहीं 10th में आते आते वो सहेली भी हो जाती है एक दूसरे की। आप चूँकि एक पढ़ने वाली बेटिया है, आपकी मम्मी गृहिणी है, किस तरह का सपोर्ट उनकी ओर से मिलता है, क्या नाम है उनका? मेरी मामा का नाम किरण बंसल है और वो एक हाउसवाइफ है, बट वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, उन्होंने मुझे पूरा साल सपोर्ट करा, मुझे इंकरेज करा कि मैं ज़्यादा मार्क्स लाऊं। मुझे अगर कभी भी थोड़ा लगता था कि मुझे डर लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि नहीं तू ट्राई कर, यू विल अचीव एवरीथिंग, और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। मेरे पापा अतुल बंसल, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, जैसे कि पापा मैथ्स में बहुत अच्छे, तो मुझे कुछ भी डाउट्स होते थे तो मैं उनसे पूछ लेती थी, वो मुझे हेल्प करते थे और वो भी मुझे एंकरेज करते थे कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूं और आगे जाऊं। और छोटी बहन? छोटी बहन तो परेशान करती? नहीं, वो इतना परेशान नहीं करती है, बट हाँ पढ़ाई की बात आती तो वो मुझे परेशान नहीं करती थी। वैष्णवी, आपका गोल के बारे में पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहीं से आपका गोल भी तय हो जाता है, लक्ष्य तय हो जाता है कि आप आगे की कहाँ जाना चाहती, अपने आप को कहाँ देखती आज बैठ कर यहाँ? मैं मेरे पापा से बहुत इंस्पायर हुई हूँ, मुझे पापा जैसे ही बिजनेस आगे करना है, और इसलिए मैंने अभी कॉमर्स विद मैथ्स लिया है, और बस मुझे पापा के पापा जो कर रहे हैं मुझे भी वैसा ही कुछ करना है, मुझे आगे जाना है, पापा और मम्मा का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, पापा और मम्मा का नाम तो रोशन करेंगी, लेकिन बिजनेस करेगी तो साथ साथ इंदौर शहर को भी बहुत कुछ देगी, मध्य प्रदेश को भी बहुत कुछ मिलेगा, और हमारी भारत भूमि की बेटियाँ जो इसी तरह वैष्णवी की तरह आगे बढ़ती दिखाई देगी। तो द अचीवर्स में आज इतना ही, वैष्णवी की आपने चर्चाएँ सुनी, 95 अंक अर्जित किए इन्होंने 10th बोर्ड की एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है, CBSE की एग्ज़ाम थी ये, और हमारी तरफ से, हमारे द प्राइम टॉक की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।